नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नए वीडियो में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो उड़ाने हैं वो दुबई, शारजाह और अबू धाबी से ऑपरेट की जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये डाउट है कि इनके नियम क्या हैं और कैसे कैसे लोग इनमें फ्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जितनी भी कंप्लीट ये रूल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। तो अगर आप दुबई, शारजाह या अबू धाबी से इंडिया के लिए फ्लाइट लेने वाले हो या टिकट बुकिंग से आपको कोई भी वो है तो आप नीचे जाकर और वो लिंक पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हो। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि लंदन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें विस्तारा और स्पाइस जेट ने अभी अनाउंसमेंट किया था कि वो लंदन के लिए अपनी हवाई सेवाएं शुरू करेंगे जो कि एयर बबल के तहत होंगे। तो आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि अब जब लंदन हीथरो की वेबसाइट्स है वो उन लोगों ने जो विस्तारा और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स हैं उनको लिस्टेड करना यानी उनकी लिस्ट उनकी फ्लाइट को शो करना शुरू कर दिया है। तो आप उनकी फ्लाइट की बुकिंग अब कर सकते हो अगर आप विस्तारा या स्पाइस जेट से लंदन की यात्रा करना चाहते हो तो भारत से। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते जो कि यहाँ पर स्पाइस जेट से निकल कर आ रही है। आपको बता दें स्पाइस जेट अपने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है जिसके अंतर्गत अगर आपको चेक इन करना है तो चेक इन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी समस्या हो रही थी। इसको देखते हुए स्पाइस जेट ने यहाँ पर एक सर्विस लॉन्च की है जिसके तहत आप चेक इन जो है अपना व्हाट्सएप के थ्रू ही कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान प्रोसेस को बना देता है। तो अगर आपको ये करना है तो आप स्पाइस जेट की वेबसाइट से जाकर व्हाट्सएप का नंबर लेकर और वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप अपना चेक इन कर सकते हो। तो दोस्तों ये है अभी तक की कंप्लीट अपडेट्स। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।